सवाल दर्शकों के सामने रख दूं। ये जो हमने सर्वे किया था सी वोटर के साथ, तो हमने कई सवाल पूछे, अलग अलग सवालों के अलग अलग जवाब हमें मिले हैं और उसी के इर्द गिर्द ये पूरी चर्चा आप सुन रहे हैं। देश का मूड दरअसल क्या है, अभी लोग क्या सोचते हैं, ये समझने का प्रयास हमने किया। अगला सवाल हमारा ये था, आरजेडी से गठबंधन और बिहार में बढ़ते अपराध से नीतीश की छवि पर क्या असर। तो खराब हुई है छवि ऐसा कहना है 54% लोगों का, अच्छी हुई है छवि ऐसा कह रहे हैं 26% लोग, जबकि असर नहीं ऐसा 20% लोगों का मानना है। लेकिन बहुसंख्यक लोग जो हैं 54% लोग हैं वो ऐसा कह रहे हैं कि बिहार में नीतीश की छवि पर इसका असर पड़ा है। ये एक बड़ी बात इससे निकलकर सामने आती है, यानी नीतीश कुमार की छवि खराब हुई है गठबंधन से आरजेडी के साथ जाने से। अब अगला सवाल भी जरा आप देख लीजिए, उसके बाद मैं मेहमानों के पास जाऊंगा। इसी से जुड़ा हमारा जो अगला सवाल है, बिहार के संदर्भ में ही है सवाल, नीतीश कुमार से ही जुड़ा हुआ सवाल है आपके सामने सवाल की, क्या नीतीश कुमार के साथ पीके को फिर से जाना चाहिए। हां कहने वाले 51% लोग हैं, जबकि नहीं कहने वाले 49% लोग हैं, यानी नीतीश कुमार के साथ पीके को फिर से जाना चाहिए। आपको पता है हाल ही में पीके के साथ मुलाकात हुई नीतीश कुमार की, जिसके बाद सियासी गलियारों में तमाम तरह की चर्चाएं होने लगी थी। हालांकि पीके ने उसके बाद यह इनकार कर दिया था कि वो नीतीश कुमार के साथ जा रहे हैं। तो ये तमाम सवाल उनके जवाब, और मैं सीधे अपने मेहमानों के पास जाऊं। सुनील सिंह जी आपके पास ही आऊंगा, चूंकि आप जेडीयू के नेता हैं, ये जो सर्वे है वो इशारा करता है कि आप लोगों को नुकसान हो रहा है आरजेडी के साथ जाने से। पहले तो मैं बता दूं आपको कि आप एक सर्वे ये करा लें कि आज के दिन वोट हो गया तो लोकसभा का तो बीजेपी का खात्मा होगा, एक सीट नहीं खुलेगा। अच्छा, जब एक सीट नहीं खुलेगा पूरे देश में कह रहे हैं आप, महागठबंधन के साथ है। सुनील सिंह जी पूरे देश की बात कर रहे हैं, बिहार की बात कर रहे हैं? बिहार की बात कर रहा हूं। अच्छा, अभी आपने बिहार, हां हां, नहीं, अभी आप बिहार का दिखा रहे थे ना कि जनता में ऐसा उनका हो रहा है, तो मैं बिहार की बात करूं, मैं तो पूरे प्रदेश पर था बिहार का हूं। बिहार में जनता में महागठबंधन की सरकार को प्रचंड समर्थन है। माननीय नीतीश कुमार जी के साथ और जदयू के साथ भाजपा ने जो गठबंधन धर्म नहीं निभाया, चुनाव में जो षड्यंत्र किए कि सीट कम हो गई, इतना ही नहीं भाजपा का बेनकाब हो गई, भाजपा अपने किसी भी साथी के साथ अच्छा अपना संबंध निर्माण नहीं कर सके। और आप गठबंधन बदलते रहते हैं तो आप गठबंधन धर्म निभा रहे हैं, और आप गठबंधन वक्त वक्त पर बदलते रहते हैं सहूलियत के मुताबिक, तो आप गठबंधन धर्म निभा रहे हैं। देखिए लोकतंत्र में हमें जन आकांक्षाओं पर चलना पड़ता है, जन आकांक्षा जहां होती है वहां हम रहते हैं, और इसका मोहर तब लगता है कि जनता उसी गठबंधन को मोहर लगाती है, विजयी बनाती है, तो हमारा स्टैंड विंडिकेट हो जाता है कि अंत में जनता ही मालिक है। ठीक है, आ जाए आलोक जी, इसमें भी देखेंगे कि जनता का कैसा हमें, चलिए आ जाए आलोक जी शायद मेरे साथ नहीं है, कैसे हमें अजय आलोक जी मेरे साथ नहीं है, प्रेम शुक्ला जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप सुन रहे हैं, आपका खाता भी बिहार में नहीं खुलने वाला है, जेडीयू के नेता कह रहे हैं। देखिए इस तरह का दर्प 2014 से भर रहे थे, और नीतीश कुमार जी को जब तेजस्वी और तेज प्रताप ने बिहार की हर सड़क हर गली में खड़े रहकर गरियाया, और जब नीतीश कुमार जी को निकम्मा पता नहीं क्या क्या जो कहा, ऐसे शब्दों का प्रयोग हम अपने गठबंधन के पुराने साथियों के लिए नहीं कर सकते हैं, यहाँ तक कहा कि विवाह किया हमारे साथ, हनीमून मिला मनाया भाजपा के साथ, अगर उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाए तो हनीमून कहाँ मना रहे लोग देख रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी ने स्वयं की छवि को जिस तरह से कभी इसके साथ कभी उसके साथ अविश्वसनीयता का एक जिस तरह से उन्होंने अपना चेहरा खड़ा किया है, उस चेहरे को बिहार पहचानता है। बिहार ने उनको इस बार, अगर वो मुख्यमंत्री बने थे तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सफलता राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को मिली थी, नीतीश कुमार के नाम पर नहीं, ये सब जानते हैं नीतीश कुमार की चुनाव रैलियों में किस तरह से हुल्लड़बाजियां हो रही थी, ये एबीपी न्यूज ही दिखा रहा था। तो एबीपी न्यूज के लोगों को भी पता है कि नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता में जो भयंकर गिरावट है, अब उनको तेजस्वी और तेज प्रताप जिस तरह से उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस शरद यादव के साथ किया, अब उनके भतीजे उनके साथ कर रहे हैं। ठीक है, दिल्ली भेज और सवाल जो हमने पूछा था वनवास के लिए मजबूर किए जा रहे हैं। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, थड़बड़ाहट में। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, एक और सवाल हमने पूछा था कि क्या नीतीश कुमार के साथ पीके को फिर से जाना चाहिए। हाँ में 51% लोगों का जवाब है। प्रदीप जी इसका क्या अर्थ आप निकालते हैं, 51% लोग अगर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ पीके को फिर से जाना चाहिए, मतलब उससे क्या फायदा हो जाएगा नीतीश कुमार को? नहीं, मैं इस सवाल को बिल्कुल इररिलेवेंट मानता हूं कि कोई कोच टीम का जो है वो मैच नहीं जिताता, खिलाड़ी मैच जीता।
तो पीके को का ओवर हाइप है, पीके किसी किसी को चुनाव नहीं जिता सकते, चुनाव की रणनीति बनाने में मदद कर सकते हैं, लॉजिस्टिक्स में मदद की प्लानिंग में मदद कर सकते हैं, लेकिन चुनाव नेता और पार्टी का संगठन जीतता और जिताता है। तो इसलिए पीके आ जाएंगे तो जीत जाएंगे, चले जाएंगे तो हार जाएंगे, मैं इसमें यकीन नहीं करता। आप इसमें यकीन नहीं करते हैं? अभय दुबे जी, आप जो पहला सवाल था, इससे पहले जो हमने सवाल पूछा कि आरजेडी से गठबंधन और बिहार में बढ़ते अपराध से नीतीश कुमार की छवि पर क्या असर पड़ा, खराब हुई ऐसा कहना है 54% लोगों का, तो क्या नीतीश कुमार को आने वाले दिनों में इससे नुकसान होता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, पिछली बार जब नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल का साथ पकड़ा था तो भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा के चुनाव में हरा दिया था, और खूब नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने खूब जम के वहाँ चुनाव प्रचार किया था, पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे ये भी कहा गया था, फिर भी भाजपा बुरी तरीके से चुनाव हारी थी। और भाजपा ने कोई भी लोकसभा चुनाव बिहार में इस स्थिति में नहीं लड़ा है कि ये दोनों पार्टियां साथ साथ हों। 2014 का चुनाव लड़ा था तो दोनों अलग अलग थे, 2019 में चुनाव लड़ा था दोनों की एकता टूट चुकी थी। अगर महागठबंधन की एकता कायम रही तो 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी को इन दोनों के मुकाबले, मिली हुई शक्ति के मुकाबले लड़ना पड़ेगा। वो भाजपा के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए एक नया अनुभव होगा, उसमें कुछ भी हो सकता है, आप ये समझ लीजिए। नहीं तो कुछ भी हो सकता है प्रदीप जी, तो क्या मतलब बीजेपी का खाता ही नहीं खुल पाएगा क्या, जैसा कह रहे हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूँ। सुनील सिंह जी ने कहा, जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी खाता नहीं खोल पाएगी, ये नहीं कह रहा हूँ प्रदीप जी। ये तो कुछ ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ये बात सही है, मैं फिर से ये कह रहा हूँ, मैं दोहरा रहा हूँ अपनी बात। आरजेडी जो है मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो जो सोशल कॉम्बिनेशन है वो बड़ा फॉर्मिडेबल है, बड़ा तगड़ा है, उसके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी, बढ़ा पाएगी नहीं बढ़ा पाएगी, कितनी सीटें आएंगी। लेकिन प्रदीप जी, सर बीच में रोक रहा हूं माफी के साथ, लेकिन फिर वही वाली बात जो आप शुरू में कह रहे थे कि अर्थमेटिक में तो ये चीजें नजर आ रही हैं, केमिस्ट्री में भी क्या ये दोनों कन्वर्ट कर लेंगे? वही सवाल है, देखिए ये सवाल उठा था जब बीएसपी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन उत्तर प्रदेश में, कि जो कॉम्बिनेशन है अगर दोनों के वोट जोड़िए बीजेपी तो कहीं ठहरती नहीं। उस समय भी यूपी में बीजेपी को कोई 5 सीट दे रहा था, कोई 10, कोई 12। तो इसलिए वही बात है कि ये केमिस्ट्री में बदलता है क्या? 15 में बदला था विधानसभा में, लेकिन लोकसभा में उसका असर होगा ये दिखाई देगा क्या 24 में? ये अभी सवाल है भविष्य के गर्भ। और बिहार में इस लड़ाई में कांग्रेस कहाँ है सुप्रिया जी, कहाँ देखती हैं आप कांग्रेस को? मुझे लगता है कि 2024 का ये जो चुनाव होगा ये मोदी जी के घमंड और अहंकार बनाम लोगों के मुद्दे पर होगा, और लोगों के उस मुद्दे की धुरी कांग्रेस पार्टी बनेगी और विपक्ष के तमाम नेता हमारे साथ आएंगे। अच्छा। मैं फिर से कहूंगी, आपका शो अंत पे आ गया, आपका सर्वे अंत पे आ गया, बेरोजगारी और महंगाई पर आपने जो एक बात कही, एक मिनट सुप्रिया जी, आपने एक बात कही कि धुरी कांग्रेस बनेगी, तो क्या राहुल गांधी के नाम पर लोग सहमत हो जाएंगे? क्योंकि नीतीश कुमार का ग्राफ अगर बढ़ता जाएगा तो वो तो राहुल गांधी के लिए चुनौती बन जाएंगे ना विपक्ष के अंदर। मैं फिर से पूछूंगी, बेरोजगारी और महंगाई पर क्या इस सर्वे में सवाल ही नहीं पूछा गया? बिल्कुल पूछा गया, लेकिन मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ आप उसका जवाब क्यों नहीं देना चाह रही हैं? पूछना चाहती हूँ, आप क्यों नहीं जवाब देना चाह रही हैं? मैं दे रही हूँ जवाब। नीतीश जी दिल्ली में थे। नीतीश जी ने खुद ही कहा मैं इस रेस में नहीं हूँ। मुझे लगता है नीतीश जी विपक्ष की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। चलिए, आप तो, लोग बनाम तो एक दूसरा दिखाना चाहते हैं। सुनील जी ये बात याद रखिएगा, सुनील जी ये बात याद रखिएगा, जो सुप्रिया श्रीनेत यहाँ पर कह रही हैं कि नीतीश कुमार ने खुद ये बात मान ली है कि वो पीएम की रेस में नहीं है, तो कल की दावेदारी थोक मत दीजिएगा। वक्त इतना ही है सुप्रिया श्रीनेत जी, वक्त इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।